सो व्हाट्सअप गाइज, कैसे हो सारे के सारे? वेलकम टू अनदर डे एंड अनदर ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग इतना इंटरेस्टिंग होने वाला है ना, देख लो एक बार हम कहाँ स्टे कर रहे हैं। ये पूरा घर लक्कड़ का है और ये गांव में रुके हुए हैं हम। एक नंबर मज़ा आ रहा है, तो मैं दिखाता हूँ तुम्हें कि हम कहाँ पर रुके हैं। आओ अंदर एक बार, ये पूरा का पूरा देख लो घर, पूरा घर लक्कड़ का है और यहाँ पर छोटे छोटे ऐसे गेट हैं और यहाँ पे हम रात को सोए थे और यहीं पे हमने खाना खाया था, जैसे कि रात को मैंने आपको दिखाया था। एक बार देख लो क्या मतलब कि यहाँ जो फील है ना, वो शहर वहर में आ ही नहीं सकती यार। इतना अमेजिंग है यहाँ की, आप छत भी देख सकते हैं कितनी प्यारी है और सारा का सारा लक्कड़ से बना हुआ है और वो भी 250 साल पुराना। 250 साल पुराना है ये। और ये देखो यहाँ पे ये भी है, यहाँ से प्रॉपर रोशनी आती है, मतलब लाइट्स वगैरह की तो जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे लाइट्स वगैरह की जरूरत नहीं है, सीधा अपनी खिड़की खोली और रोशनी अंदर। और इतना ज़्यादा मज़ा आया ना, मतलब होटल्स वगैरह में इतना मज़ा आ ही नहीं सकता, एक नंबर। और खाना जो पहाड़ी खाना इन्होंने खिलाया था ना, वो भी एक नंबर। और तो और यहाँ पे अंदर एक गुफा भी है, मतलब ये देखो यहाँ अंदर पूरा स्टोर है, आप देख सकते हैं, थोड़ा सा दिखा देते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये देखो ये पूरा अंदर स्टोर है और ये पूरा घर के नीचे बना हुआ है, बहुत ही मजेदार। इसको करते हैं बंद अभी हम और बाहर चलते हैं, फटाफट आ जाओ। और यहाँ पे गेट इतने छोटे हैं कि ऐसे निकलना पड़ता है झुक के, और बहुत ही अमेजिंग है यार। मतलब अगर किसी ने कुछ अलग एक्सपीरियंस करना है ना, तो जरूर आओ भाई यहाँ पे जरूर। और ये जो व्यू है यहाँ से सुबह उठते ही जो दिखता है, वो देख सकते हैं आप, मतलब कि क्या ही व्यू है, जन्नत जन्नत है जन्नत। बहुत ही मज़ा और अलग एक्सपीरियंस था हमारा इस बार यहाँ रहने का, बहुत ही मज़ा आया। और ये जो लोकेशन है वो लोकेटेड है लाखा मंडल में, देहरादून से पड़ता है 128 किलोमीटर दूर। और यहाँ का फेमस मंदिर है और शिव प्राचीन मंदिर, और शिव प्राचीन मंदिर है यहाँ पे, जो बोलते हैं कुछ लोग पांडव ने बनाया था। हाँ यहाँ पे बोल रहे हैं लोग कि वो पांडव ने बनाया था। तो बाकी अभी मंदिर पे जाएंगे और अभी आपको यहाँ का गांव भी दिखाऊंगा कि कैसे इतना छोटा सा और इतना सुंदर गांव है। बाकी ये अम्मा जी आ चुकी हैं जिन्होंने हमें रात को खाना खिलाया था इतना स्वादिष्ट, वो भी चूल्हे पर बनाकर। हाँ, चूल्हे में बनाया, और बहुत ही टेस्टी खाना बनाया था। और अभी ये गैस में नहीं बनता है खाना, गैस टेस्टी नहीं बनता ना, तो बहुत ही टेस्टी था। और ये अभी लेके आई है हमारे लिए सब्जियां, बैग में यहाँ से नीचे गई थी पहाड़ में और सब्जियां लेके आई हैं, और ये फिर से अभी हमें खाना खिलाएंगे। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है यहाँ का गांव, और ये छोटा सा गांव है बट बहुत ज्यादा प्यारा और सुंदर है। ये देखो ये घर भी लक्कड़ का है, यहाँ पे ये वाला घर भी लक्कड़ का है, और यहाँ पे देख लो ये गलियां भी बहुत पतली पतली है, बट यहाँ पे रहने का जो एक्सपीरियंस है ना, बहुत अमेजिंग है। तो आप भी जरूर आओ, और मतलब बाकी जगह तो जाते रहते हैं यार, ऐसे गांव में रुकने का बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस है। और बाकी अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे जो प्राचीन शिव मंदिर है वहाँ पे, तो अब वहाँ पे चलते हैं। बाकी अभी यहाँ पे किसी ने मुझे बताया है कि यहाँ पे शिवलिंग इतने सारे हैं ना, कि मतलब कहीं भी अगर जैसे कोई खुदाई करता है तो कहीं भी कोई भी शिवलिंग निकल आता है। और यहाँ पे जो मेरे पीछे आप ये जगह देख रहे हैं, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे भी काफ़ी सारे शिवलिंग हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और बहुत चुकन्ना सी बात लगी कि कहीं भी खुदाई करते हैं और शिवलिंग निकल आते हैं यहाँ आस पास के एरिया में। अभी हम आ चुके हैं धर्मराज युधिष्ठिर लिंग पर, और जो ये आप हमारे पीछे देख रहे हैं ये है दानव। दानव तो जो भी लोग यहाँ पे मर के आते थे, तो जो बुरे कर्म करता था तो उसको दानव दंड देता था, और ये जो है ये है देव, तो जो भी अच्छे कर्म करके आता था वो उनको देव स्वर्ग में लेके जाते थे और ये नरक में लेके जाते थे। जैसे जो लोग यहाँ पे मर के आते थे तो उनके जो उन्होंने कर्म कर रखे हैं तो या वो नरक में जाएंगे या स्वर्ग में जाएंगे, तो यहाँ पे गंगा जल छिड़क के उनको थोड़ी देर के लिए जिंदा कर दिया जाता था। हाँ मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर दिया जाता था, और फिर उसका देखा जाता था कि ये नरक में जाएगा या फिर ये स्वर्ग में जाएगा। तो यार इतनी इंटरेस्टिंग बातें, मज़ा ही आ रहा है।
कि उधर मैं जो आपको बता रहा था कि यहाँ पे 2007 में खुदाई हुई थी, तो यहाँ पे ये काफ़ी सारे शिवलिंग मिले थे, यहाँ पे बहुत सारे शिवलिंग हैं। और एक और चीज़ बताई थी कि यहाँ पे 100 मीटर के दायरे में जितने भी मतलब खुदाई वगैरह होती है तो कहीं भी शिवलिंग निकल आता है। तो बाकी आप देखिए, ये है यहाँ पे काफ़ी सारे शिवलिंग हैं, काफ़ी सारे यहाँ पे शिवलिंग है। और यहाँ पे जब जल चढ़ाते हैं हम तो यहाँ पे पानी स्टे कर जाता है, नीचे नहीं जाता, और ऐसे चमकता है और ऐसा लगता है कि मिरर है और अपनी फ़ोटो एकदम पूरी दिखती है। और किसी भी पत्थर पे यार पानी नहीं टिकता ऐसे जैसे इस पे टिकता है। तो आओ फटाफट हम भी जल चढ़ा लेते हैं इस पे और बोलते हैं जय भोले की। या पहाड़ों में ऐसे ही लगता है टीका चावलों से। तो गाइस अभी हम रुके हैं एक छोटे से गांव में, इसका नाम है डामठा, और क्या कहते हैं इसके बाद हम और ऊपर जा रहे हैं, उसका नाम है म्योंडा। तो वहाँ से व्यू और ज़्यादा मस्त है, तो हमने बोला ढंग से घूम के आते हैं कि कैसा है। और खाना पीना हम यहीं कर लेंगे क्योंकि आगे रेस्टोरेंट्स वगैरह बहुत कम है, तो यहीं पे खाते हैं और उसके बाद निकलते हैं और ऊपर मस्त व्यू के लिए। तो ये है यहाँ का लोकल खाना, सिंपल एकदम, तो देखने में तो टेस्टी लग रहा है, बाकी खा के देखते हैं कि ये कैसा लगेगा। और यहाँ की खास बात ये है कि 90 रुपये में जितना मर्जी खाओ, जितना मर्जी भर पेट, तो खाना तो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लग रहा है, तो इसको फटाफट खा लेते हैं। तो खाना तो था बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, मतलब 90 रुपये में 4-5 सब्जियाँ दे दी, अनलिमिटेड रोटियाँ दे दी और पेट भर दिया ऐसा फुल कि मज़ा ही आ गया। अनलिमिटेड रोटियाँ नहीं, सब्जियां भी अनलिमिटेड है। हाँ सब्जियां भी अनलिमिटेड है, रोटियां भी, चावल भी। इसने इतनी रोटी खा ली, इसका मुंह इतना मोटा हो गया, चश्मा टूट गया। तो आगे जाते जाते रोड एकदम खराब हो चुकी है और बहुत ज़्यादा रिस्की लग रहा है, और बीच बीच में मोटे मोटे पत्थर भी पड़े हुए हैं ऊपर से गिरे हुए, तो काफ़ी ज़्यादा डर भी लग रहा है, बट जो व्यू है वो तो एक नंबर ही है। तो अब हम पहुंच चुके हैं म्योंडा गांव में, काफ़ी लंबा ट्रैवल था और सड़कें भी थोड़ी सी ज़्यादा ही ख़राब थी। तो यहाँ पे है ये नज़ारे, आप देख सकते हैं, और हम सारे यहाँ पे खड़े हैं, हमने गाड़ियाँ लगा दी है और ये व्यू दिख रहा है बहुत ही ज़्यादा प्यारा, सारा हिमालय दिख रहा है सारा। अभी जो भाई हैं उनके घर जा रहे हैं हम, वो यहीं पे रहते हैं, मैंने बताया था ना आपको, तो एक बार देखते हैं इस गांव में जाके कि ये गांव कैसा है और एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा सा। तो भाई ये वाला है ये गांव, और ये गांव से व्यू इतना प्यारा, छोटा सा गांव है यहाँ पे, और ये हमारे भाई का घर है यहाँ पे। तो भाई अब हम आ चुके हैं आकाश भाई के घर में, जो हमारे साथ आए थे, जो इसी गांव में रहते हैं। तो यार ये ले हमें लेके आए इस वुडन के घर में, ये सारा लकड़ का बना हुआ है और इतना मज़ेदार है ना, इतना मज़ेदार, क्या बताएं, मतलब घर होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए यार। और सफी है यार, यहाँ जो खुशबू आ रही है ना, ये सारी कौन सी लकड़ है भाई? देवदार। देवदार की लकड़ है तो उसमें तो खुशबू भी आ रही है, और यहाँ से व्यू उससे भी ज़्यादा बढ़िया, आओ दिखाता हूँ।
मतलब अगर व्यू ऐसा मिल जाए घर के बाहर सुबह उठते ही, तो क्या नज़ारे होंगे यार, मज़ा ही आ जाएगा। तो हम यहाँ पे अब इंजॉय करेंगे थोड़ी देर, और यहाँ पे बैठेंगे आराम से, थोड़ी बातें बातें करेंगे, खाएंगे पिएंगे, और उसके बाद हमें निकलना है घर की तरफ, या फिर अगर कोई प्लान बन गया बीच में तो वहाँ पे भी जाएंगे, और आपसे मिलते हैं आप थोड़ी देर में। हो गई है शाम, और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं भाई के घर से, और शाम के टाइम और ज़्यादा अमेजिंग हो चुका है यहाँ पे व्यू। अब हम छोटे से ब्रेक के लिए रुके हैं यहाँ पे विकास नगर में, और यहाँ पे खाने पीने का है, मतलब दो तीन ऐसी स्टॉल्स हैं, तो यहाँ से थोड़ा बहुत खा लेते हैं, और उसके बाद सीधा हम जा रहे हैं रुड़की, रुड़की से जाएंगे दिल्ली। और इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे कूल, एंड आई लव यू ऑल। आई होप सो आपको व्लॉग्स बहुत अच्छे लगे होंगे। और अब निकल रहे हैं सीधा घर, बहुत दिन हो गए, 6-7 दिन से घर से बाहर है, तो अब सीधा जाएंगे घर। बाय बाय।